मेरे मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हम बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो नए नियम की और बाइबल की अंतिम पुस्तक है उसका अध्ययन आरंभ करेंगे। और मेरे मन में मिली जुली भावनाएं हैं। सच तो यह है कि मैं परमेश्वर के वचन की इस महान पुस्तक को आरंभ करते हुए भयातुर हूं, परंतु स्पष्ट कहूं तो मैं इसका अध्ययन आरंभ करने के लिए अति आनंदित हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों। बहुत समय से यह मेरा अभ्यास रहा है कि जब मैं काम करते करते थक जाता हूं तो कोई रहस्यमय कहानी या जासूसी कहानी पढ़ता हूं। मैं सच कहता हूं कि रहस्यमय कहानियां वर्षों से मेरा दिल बहलाने वाला काम कर रहा है। मैं अन्य पुस्तकें नहीं पढ़ता हूं क्योंकि उन्हें पढ़ते पढ़ते अब मैं उस स्थान पर आ गया हूं कि मुझे पहले ही से पता चल जाता है कि हत्यारा कौन है। एक और लेखिका है जो जासूसी उपन्यास लिखती है, परंतु क्योंकि वह मसीही है इसलिए उसकी पुस्तक में बाइबल के अंश बहुत हैं और इस प्रकार अविश्वासी नहीं जानते हुए भी उसमें बाइबल के वचन पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, जब मैंने अपनी सेवा आरंभ की थी तब मैं अविवाहित था और रविवार को हमारी आराधना शाम के समय होती थी। आराधना के बाद रात को सोते समय मैं कोई न कोई जासूसी उपन्यास पढ़ता था। ऐसी कहानी का अंत यह होता है कि नायक और नायिका अंत में खुशी का जीवन जीने लगते हैं। मेरे प्रियो, मेरे पास बाइबल में एक पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, जिसमें लिखा है कि संसार का अंत क्या होगा। यदि मैं सच कहूं तो मैं संसार की परिस्थितियों को देखकर परेशान हो जाता हूं। यह एक तमसपूर्ण परिदृश्य है। मैं सोचता हूं कि इसका अंत क्या होगा। अतः मैं जो करता हूं वह यह है कि मैं बाइबल की अंतिम पुस्तक को खोलता हूं और जब उसे पढ़ता हूं तो देखता हूं कि सब ठीक हो जाएगा। क्या आप यह जानते हैं? किसी ने कहा है कि आज की परिस्थिति काठी पर सवार मनुष्य की सवारी पर रही है। ध्यान दीजिए, आज की परिस्थिति काठी पर सवार मनुष्य की सवारी कर रही है। ऐसा ही प्रतीत होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि शैतान संसार में अवकाश का पूरा पूरा आनंद उठा रहा है और मेरे विचार में ऐसा ही है, परंतु परमेश्वर इसका समाधान निकाल लेगा। परमेश्वर स्वयं इसकी व्यवस्था अपने हाथ में ले लेगा। सच तो यह है कि संसार उसके हाथ से निकल नहीं गया है। वह केवल उस समय की ओर अग्रसर है जब वह अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत के सिंहासन पर बैठाएगा। अभी तो यहाँ अंधकार ही दिखाई देता है। मेरे विचार में जो भी इस संसार को देखकर आशा प्रकट करता है उसके सोचने में चूक हो रही है। संसार की दशा निराशाजनक है, परंतु मैं निराशावादी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है और मैं प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले प्रत्येक जन से कह सकता हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे मित्रों, अंततः परमेश्वर सर्वोपरि होगा। यही कारण है कि मैं उसके साथ हूँ। जैसा जॉन कैल्विन ने कहा, मैं तो आज हार कर कल जीतना चाहूँगा, अपेक्षा इसके कि आज जीत कर कल हार जाऊँ। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उस ओर रहना चाहता हूं जो आज अविजयी दिखाई देती है कि कल विजयी हो जाए। मैं यह इसलिए जानता हूं कि मेरे पास प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है और मैं इसे पढ़ता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे साथ आप भी इसे पढ़ेंगे। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भय के साथ कांपते हुए पढ़ना आरंभ करता हूं क्योंकि मैं अयोग्य तो हूं, परंतु इस विचार के साथ अन्य अनेक कारण भी हैं। सबसे पहले पाठकों में ज्ञान की कमी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की क्रम संख्या 66 है और यह बाइबल की अंतिम पुस्तक है। इसका अर्थ है कि इस पुस्तक को पढ़ने से पहले हमें अन्य 65 पुस्तकों का ज्ञान होना आवश्यक है।
आपको इस पुस्तक से पूर्व बाइबल का थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। आपको धर्मशास्त्र का बोध एवं तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। इस पुस्तक को पढ़ना आरंभ करते समय मेरे भय का दूसरा कारण खतरे का संकेत देता है, वह है आज का वातावरण जिसमें हम अपना यह अध्ययन कर रहे हैं। यद्यपि हमारा युग संशयवाद और अविश्वास का है, मुख्य कारण तो हमारे इस युग के अंधकारमय कठिन और बुरे दिन हैं। हर क्षेत्र में सरकार, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा, सेना, मनोरंजन आदि हमारे अगुए विफलता का सामना कर रहे हैं। जहां शिक्षकों के वश में अनुशासन न हो, वहां अगुए कैसे उभरेंगे? कहना अलग है और करना अलग है। किसी के पास कोई समाधान नहीं है। अगुवाई में कभी स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आप किस प्रकार का अगुवाई दे पाएंगे। नैतिकता के दलदल से जिसमें हम फंसे हैं या कठिन समस्याओं से हमें बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। मेरे मित्रों, जिस युग में हम वास करते हैं वह एक अत्यधिक कठिन समय है और मेरे विचार में यह कलीसिया के इतिहास का सबसे कठिन समय है। ज्ञानवान पुरुष प्रचारक नहीं इस संदर्भ में बहुत कुछ कहते हैं। किसी वैज्ञानिक ने कहा जो अणुशक्ति के क्षेत्र में काम करता था, उसने कहा, मैं एक डरा हुआ मनुष्य हूं और आपको भी डराना चाहता हूं। एक महानुभव ने विश्व भ्रमण के बाद कहा है कि यह एक संसार का सबसे अधिक खतरनाक युग है जो उसने कभी देखा हो। उसका प्रश्न था, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने यह भी कहा, जब मैं मानवीय त्रासदी पर विचार करता हूँ जिसे मैंने देखा और अनुभव किया है, तो मसीही आदर्शों की आहुति को मेरे मन में यह विचार उठाता है कि परमेश्वर एक कठोर कदम उठाने का मार्ग तैयार कर रहा है। मेरे मित्रों, अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा, 6 वर्ष से 21 वर्ष के शिशुओं के प्रति शिक्षा के प्रयासों को समर्पित करना व्यर्थ प्रतीत होता है। संसार अधिक दिन का नहीं है। उनका विवाद है कि हमें प्रौढ़ शिक्षा आरंभ करना आवश्यक है। इंग्लैंड के एक पूर्व प्रधानमंत्री का कहना था, समय कम है। विश्व युद्ध के बाद जब मिशनरी प्रचार के लिए अर्थात सेवा के लिए अपने क्षेत्र में लौट रहे थे, तब एक प्रसिद्ध पत्रिका के मालिक ने उन्हें संदेश देते हुए कहा, जब उसके पिता चीन में परमेश्वर की सेवा करते थे और वह बालक ही था, तब उसके पिता उसके साथ प्रभु राज से पूर्व प्रभु यीशु के आगमन की चर्चा करते हुए कहते थे कि इस शिक्षा में विश्वास करने वाले सब लोग अंधविश्वासी हैं। तदुपरांत उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ अंततः इसमें कुछ तो सत्य होगा। पत्रिका में किसी ने लेख लिखा जिसमें लेखक ने लिखा था, एक विश्वासी का काम है संसार के अंत की तैयारी करे। अमेरिका के एक इतिहासकार ने कहा था, संपूर्ण विश्व के विचारक और खोजकर्ता जो भविष्य के बारे में सोचते हैं, वे सभ्यता के मान को आंकने का प्रयास करते हुए उसकी नियति की कल्पना करते हैं। एक विचारक ने लिखा है, 5 महाद्वीपों की दीवारों पर लिखा है कि न्याय का दिन आने वाला है। मेरे प्रियो, एक और महानुभव ने अपनी मृत्यु से पूर्व कहा था, संसार अपने अंत में है, जिसे हम जीवन कहते हैं वह निकट है। अमेरिका के सेना अध्यक्ष ने कहा, हमें अंतिम अवसर दिया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर कहते हैं, संसार में नैतिक नए जन्म के बिना आशा नहीं है, क्योंकि एक दिन हम परमाणु विस्फोट में ध्वंस हो जाएंगे। एक और विचारक कहते थे, अंत दूर नहीं है। मेरे प्रियो, परिदृश्य और अधिक निराशाजनक हो जा रहा है। जब कलीसिया हमारे इस युग की समस्याओं का समाधान खोजने में असमर्थ हो, कलीसिया में सदस्यता की वृद्धि हुई है जो परमेश्वर के लिए कलीसिया की जलन का संकेत है, उस समय कलीसिया समृद्ध थी और प्रभावी कार्यक्रम तैयार करती थी, परंतु अब कलीसिया की रुचि कम हो गई है
और निश्चय ही वह आज की संस्कृति पर प्रभाव नहीं डाल रही है। 1958 में एक लेख छपा था, संसार में अव्यवस्था। उस लेख में संसार की जो दशा है इसका बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया था, परंतु समाधान उसमें भी नहीं था। आज हम संसार को देखें तो वास्तव में यह संसार अव्यवस्था ही दशा में दिखाई देता है। एक लंबे समय से अगुए यही भविष्य के विषय में यही कहते आ रहे हैं कि भावी संकट असंभावी है, भावी अमंगल है। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि लोगों की रुचि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बढ़ती जा रही है। यद्यपि अच्छे टीकाकार विस्तृत व्याख्या के परिक्षेत्र में विचारों की भिन्नता प्रकट करते हैं, इस पुस्तक के चार मुख्य भाग हैं। पहला, भूतकालिक व्याख्या के अनुसार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की सब भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि वे यूहन्ना के युग में राजा नीरो या डोमिशियन के राज्यकाल से संबंधित थी। यह विचार मुख्यतः जर्मनी के विचारकों का तथा अन्य कुछ एक विचारकों का माना जाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का उद्देश्य सताव से निराश कलीसिया को शांति देने का था, और इसकी भाषा प्रतीकात्मक थी जिसे उस युग की कलीसियाएं समझती थी। मैं भी कहता हूं कि इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य परमेश्वर के जनों को शांति प्रदान करने का था, जो हर एक युग के विश्वासियों के लिए है। परंतु भूतकालिक व्याख्या का अर्थ है कि आपको आज बाइबल में इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के लिए इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः यह विचार भूली हुई बातों के साथ निष्कासित किया जा चुका है। दूसरी बात हम देखते हैं, ऐतिहासिक व्याख्या। इसके अनुसार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणियां कलीसिया के इतिहास में पूरी होती आ रही है, यूहन्ना के युग से लेकर आज तक। इस विचार में कुछ सत्य अवश्य हैं, विशेष करके इसमें व्यक्त की गई सातों कलीसियाओं के संबंध में। परंतु इसके परे देखने पर स्पष्ट होता है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक है। और तीसरी बात हम देखते हैं, ऐतिहासिक आध्यात्मिक व्याख्या। यह वास्तव में ऐतिहासिक परिभाषा का ही सुधारा हुआ रूप है। इस व्याख्या के अनुसार दो पशु जिनका इसमें उल्लेख किया गया है वे केंद्रीय रोमी प्रशासन तथा प्रादेशिक रोमी प्रशासन हैं। इस विचार के अनुसार प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, परंतु उनकी आत्मिक शिक्षा हर समय के लिए है, आज की कलीसिया के लिए भी। मेरे मित्रों, जो यह नहीं मानते कि इस पृथ्वी पर प्रभु राज स्थापित होगा, वे अधिकतर इस विचार को मानते हैं। परंतु इस विचार से तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता है। मैंने बाइबल अध्ययन में इस दृष्टिकोण से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ा था, देखा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के तथ्यों को प्रतीक कहना वास्तव में उन्हें हवा में उड़ा देना है, और वे हमें स्पष्ट नहीं समझा पाते हैं कि ये प्रतीक किसे व्यक्त कर रहे हैं। सच तो यह है कि इस व्याख्या में विचित्र अर्थ निर्धारण है। जैसे एक विद्यार्थी लूथर और धर्म सुधार को देखता है तो दूसरा उसी प्रतीक में छापा खाना देखता है। मेरा अपना विचार यह है कि ऐसी व्याख्याएं प्रकाशित वाक्य के उद्देश्य को धूमिल करती हैं। और चौथी बात हम देखते हैं, भविष्य संबंधित व्याख्या। यह व्याख्या लगभग उन सब विचारकों के वचन हैं जो प्रभु राज से पहले कलीसिया के उठाए जाने में विश्वास करते हैं। मैं भी यही मानता हूँ। इस विचार के अनुसार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मूल रूप से भविष्यवाणी की पुस्तक है। वे व्याख्या का जो रूप अपनाते हैं वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुरूप है। इसका आरंभ महिमामय प्रभु यीशु मसीह से आरंभ होता है, तदोपरांत कलीसिया का उल्लेख आता है, तब कलीसिया का संपूर्ण इतिहास है, और अध्याय 3 के अंत में हम कलीसिया को स्वर्ग में देखते हैं जो दुल्हन है और प्रभु यीशु के साथ पृथ्वी पर आएगी जब वह यहां अपना राज्य स्थापित करेगा।
यूहन्ना प्रभु यीशु के इस 1000 वर्ष के राज्य की चर्चा करता है। यह समय परखे जाने का समय होगा, क्योंकि उस युग के अंत में शैतान कुछ समय के लिए मुक्त किया जाएगा, तदोपरांत विद्रोह का सदा के लिए अंत किया जाएगा और अनंत युग का आरंभ होगा। यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का सर्वमान्य दृष्टिकोण है। मेरे मित्रों, आज के युग में इस व्याख्या के अनेक आलोचक हैं जो इसे निरर्थक ही नहीं कहते, इसके विषय में कठोर बातें भी कहते हैं। एक लेखक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं उसके विवादों का प्रतिवाद नहीं दे पाया हूँ, केवल इसलिए कि मैं उसके साथ विवाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब उसने मुझे फ़ोन किया था तब मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। यदि वह इसी प्रकार अन्य बाइबल के टीकाकारों को गलत सिद्ध करना चाहता है तो मुझे उसकी पुस्तक में विश्वास नहीं। वह अपनी पुस्तक में लिखता है कि प्रभु राज से पूर्व कलीसिया का उठाया जाना एक नया विचार है। मैं मानता हूं कि यह विचार पिछले कुछ वर्षों में अन्य विचारों की नाई विकसित हुआ है। अपनी युवावस्था में जब मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, तब मुझे प्रभु राज में कलीसिया का उपस्थित होना बताया गया था। इन विचारकों का कहना है कि कलीसिया इस संसार को सुधारती जाएगी और जब संपूर्ण संसार प्रभु यीशु में विश्वास करने लगेगा तब प्रभु का आगमन होगा और वह इस पृथ्वी पर राज करेगा। परंतु आज सांसारिक अवमानना के कारण यह विचार लगभग समाप्त हो चुका है, और यदि आज इस विचार के कोई मानने वाले हैं तो बहुत ही कम लोग हैं। जब मैं बाइबल अध्ययन के लिए सेमिनरी में था तब लगभग हर एक अध्यापक के विचार में प्रभु यीशु का राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। इस कारण वे जो प्रभु के राज्य पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए यह बहुत कठिन बात है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बाइबल अध्ययन में बहुत सारी बातें होती है जिसे आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं, परंतु निर्णय आपको लेना है। इस कारण वे जो प्रभु राज्य में विश्वास करते हैं बचकर चलते थे। हमारे एक वृद्ध शिक्षक थे जो प्रभु के बारे में अर्थात पृथ्वी पर प्रभु राज्य की स्थापना में विश्वास करते थे। जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तब उनकी खिल्ली उड़ाने के लिए किसी ने युद्ध विराम की उनसे चर्चा की तो वे समझे कि वह गृह युद्ध समाप्त हो जाने की चर्चा कर रहा है। वह तब भी अपने विचार से नहीं टले। मैं आपको पूर्व काल के अनेक महानुभवों के विचार सुनाना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर करते थे। वे न तो महाक्लेश की और न ही प्रभु राज की, परंतु प्रभु यीशु के पुनः आगमन की प्रतीक्षा करते थे। उनकी यह आशा हमारी प्रभु राज की आशा का केंद्र बिंदु है। प्रेरित पौलुस का सहकर्मी बरनबास के कथन के उद्धरण है। वास्तविक सप्त का दिन प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर उसका 1000 वर्ष का राज्य होगा। सन 96 में रोम के बिशप क्लेमेंट का कहना था, हमें प्रतिपल परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा करना है, हम उस दिन को नहीं जानते। स्मुर्ना का बिशप पॉलीकार्प जिसे जिंदा जला दिया गया था, सन 108 में उसका कहना था, वह हमें मरे हुओं में से जीवित करेगा, हम उसके साथ राज्य करेंगे। हीरापोलिस के बिशप पपायस सन 116 में कहते हैं, जब पृथ्वी पर प्रभु यीशु स्वयं राज्य करेगा तब 1000 वर्ष का राज होगा। आयरेनियस के अनुसार इन्होंने यूहन्ना को देखा था। अंताकिया के बिशप इग्नेशियस जो इतिहासकार यशुबियस के अनुसार संत पत्रस के उत्तराधिकारी थे, कहते हैं, समय को देखकर उसके आने की बाट जोहते रहो। शहीद जस्टिन सन 150 में कहते हैं, मैं और सब रूढ़िवादी मसीही जन जानते हैं कि यशाया और यहेजकेल की भविष्यवाणी के अनुसार यरूशलेम में 1000 वर्ष का राज होगा। आयरेनियस लियोनस के बिशप सन 175 में कहते हैं, प्रभु यीशु के वचनों पर विचार करते हुए उनका कहना है,
मैं अपने पिता के राज्य में दाखरस पीऊंगा। यह हमारे प्रभु यीशु के पृथ्वी पर पुनः आगमन पर ही पूरा होगा। टर्टुलियन सन 200 में कहते हैं, हम विश्वास रखते हैं कि पृथ्वी पर प्रभु राज की प्रतिज्ञा निश्चित है। मार्टिन लूथर कहते हैं, हम यह न सोचे कि प्रभु यीशु का आगमन दूर है। जॉन कॉल्विन कहते हैं, धर्मशास्त्र हमें अटल निर्देश देता है कि हम मसीह के आगमन की प्रतीक्षा और उस पर आशा रख करके करें। धर्माध्यक्ष ए आर फॉसेट आरंभिक कलिसियाई के पितृ क्लेमेंट इग्नेशियस शहीद जस्टिन और एरनियस प्रभु यीशु के शीघ्र आने की बात जोहते थे, जो कि प्रभु राज का आवश्यक सूचक है। जब तक कथित कलिसिया अपना पहले सा प्रेम खोकर विश्व शक्ति पर आसीन वैश्या न हो, वह दूल्हे से भेंट करने जाने वाली दुल्हन न होगी और उसके आगमन की प्रतीक्षा किए बिना ही राज करने की खोज में लग जाएगी। विचारक डॉक्टर एलियट ने लिखा, ओरिजिन और अन्य कुछ के अतिरिक्त सब प्राचीन विचारक जिन्होंने प्रकाशित वाक्य को अस्वीकार किया, प्रभु राज से पूर्व की स्थिति के समर्थक थे। इस धन्य आशा के विषय में एक इतिहासकार गसलर का कहना है, यह इतना अधिक स्पष्ट और प्रधान विषय है कि हम इसे उस युग का सर्वमान्य विचार कहते हुए संकोच नहीं करेंगे। एक और महानुभव कहते हैं, प्रेरितों के बाद उस युग के माननीय पितरों के द्वारा विश्वास की गई और सिखाई गई यह शिक्षा उस युग में किसी ने तुच्छ नहीं जानी थी। डॉक्टर एडोल्फ वॉन ने लिखा, आरंभिक कलिसियाई पितृ आयरनियस हिप्पोलिटस टर्टुलियन आदि इसमें विश्वास करते थे, क्योंकि यह आरंभिक कलिसिया का परंपरागत विश्वास था। तीसरी और चौथी शताब्दी में यूनानी कल्पनाओं से बचकर निकले लितानी थियोलॉजियनों ने अर्थात बाइबल अध्ययन करने वालों का भी यही विश्वास था। मेरे मित्रों, प्रेरितों के युग से चलकर और संपूर्ण प्रथम शताब्दी में धर्मशास्त्र की व्याख्या पृथ्वी पर प्रभु राज की स्थापना की थी। अतः यदि कोई कहे कि यह विचार 100 वर्ष पुरानी है, तो वह नहीं जानता कि क्या कह रहा है। अतः यह जानना अतिरोचक बात है कि आरंभिक कलिसिया के प्रमुख जन इसमें विश्वास करते थे। इसलिए आज मुझे और आपको भी विश्वास की आवश्यकता है।